आज मैं दहर में सबसे मजलूम हूँ, हक पे होते हुए हक से महरूम हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप हम लोग यूट्यूब पे सुने थे कि आपकी तबीयत बहुत खराब है बोल के, हम लोग बहुत दुआ कर रहे हैं आप जल्द से जल्द ठीक हो के घर को आ जाए। आपके आपका साया आपके बच्चों पे हमेशा कायम दायम रखे अल्लाह मियां, हम लोग की दिल से दुआ है। गेट वेल सोन मैडम, अल्लाह हाफिज़। आप रिप्लाई दीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नादिया, अल्लाह से उम्मीद रखे आप खैरियत से होंगे। अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी ने क्या कर किया? ये ऐसा नहीं करना था अम्मी को, अल्लाह उसका बदला लेगा, जरूर लेगा। जिसने भी इस तरह से अम्मी को सताया और तकलीफ दी, मुझे बहुत तकलीफ हुई था दिया। अल्लाह अम्मी को, अम्मी की तबीयत कैसी है प्लीज मुझे इतना से बता दे कि अम्मी की तबीयत कैसी है, क्योंकि उसने तो मुझे कहा कि क्रिटिकल है। अल्लाह खैराफेट वाली जिंदगी मेरी छोटी बहन को दे और उनको बस अल्लाह की अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, खैराफेट वाली जिंदगी दे, लंबी जिंदगी, सेहत तंदुरुस्ती, बस अम्मी खैर आफिर के साथ सही सलामत घर पर आ जाए। तो अम्मी की तबीयत कैसी है? अम्मी होश में है या नहीं है प्लीज मुझे बताना। मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि खबीस ने यह क्या किया कि मेरी बहन को ये काम करना पड़ा। अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, हिम्मत ताकत दे, सेहत तंदुरुस्ती, और जिसने भी मेरी बहन को ये हालत में पहुंचाया अल्लाह उसको जरूर पहुंचे, अल्लाह पहुंचेगा, अल्लाह बदला लेगा इंशाल्लाह। लेकिन अम्मी को सलाम बोलना और अम्मी से कह हिम्मत रखे और प्लीज मुझे आप बता देना इतना कि कैसी है अम्मी की तबीयत। बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ, क्योंकि अम्मी तो माशाल्लाह इतना खल के खिदमत करती है। तो अल्लाह बस किसी की भी दुआ लग जाए, अम्मी बस सही सलामत घर पर वापस आ जाए तो प्लीज मुझे बता दोगी तो मेहरबानी होगी आपकी। और अम्मी को भी सलाम बोलना, अम्मी की कैसी तबीयत है अब। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली, खैराफिट वाली जिंदगी दे, हिम्मत ताकत दे, और जिसने भी मेरी बहन को ये हालत में पहुंचाया बस अल्लाह उनसे निपटे, अल्लाह उसको पूछेगा क्यों नहीं। और अल्लाह ताला आपके भाई बहन को भी हिम्मत दे, सब्र दे, कैसे हैं आपके भाई बहन भी, उनको भी आप बड़ी हैं, उनको देख लेना है, संभालना और दुआ करना। मैं भी दुआ करूंगी नमाज पढ़ के इंशाल्लाह। मैंने अभी देखा वीडियो, तो मैं अभी वजू करके नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि अल्लाह मेरी छोटी बहन को सिफायदाई कुल अता फरमा और खैर हाफिज वाली जिंदगी अता फरमा। जिसने भी मेरी बहन को ये हालत में पहुंचाया उनको जरूर तू पहुंच और उसका बदला तू जरूर ले, दुनिया आखिरत के अंदर। अल्लाह थोड़ा दुनिया के अंदर लेकर दे, दूसरा आखिरत के अंदर मेरी बहन को इनका असर देना। ठीक है नादिया, अपना ख्याल रखना बच्ची, दुआ में रख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ माँ नाहिदा, कैसे है माँ, कैसी है तबीयत? माफ़ी चाहती माँ, थोड़े दिन थोड़ा बिजी हो गई थी मैं। अभी अभी मेरे भाई ये कैफे दिए, क्यालते तो तुम खुदकुशी करने की कोशिश करे, तुम इतने बहादुर हो के क्यालते तो मैं कचरा लोगों के बातें सुन के ऐसा कैसा काम करे माँ तुम। हाँ ये लोग चाहते ऐसा किसी नेक लोग काम, नेकी का काम करने वालों को तकलीफ पहुंचाते, अपने नबी को कितनी तकलीफ पहुंचाए। हाँ तुम ये कैसा कदम उठाए तुम। हाँ अल्लाह तुम्हारे साथ था, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, ये चिल्लर कचरा लोगों की बातें सुन के तुम दिलचस्पी ऐसा दिल पे लेके तुम ऐसा कैसा काम करे। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ मैं क्याल समा, मैं इतने दिनों के बाद तुम्हारे को देखी, मैं देख रही हूँ वीडियोस देख रही हूँ, मगर ये कैफियत मेरे को अभी मिली, अभी मेरे भाई बोले क्यालते समा। मैं डायरेक्ट भी तुम्हारे को टेलीफोन करी, तुम्हारी बेटी से तो भी बात करेंगे बोल के, उनसे भी बात नहीं हो रही, टुक टाक पे भी करी, अगर मेरी आवाज़ सुने, अगर अगर आपकी बेटी का नाम तो मेरे को जल्दी याद नहीं आता बेटा, आप अगर सुने तो मेरे को जवाब दियो। बच्ची के बारे में बोले कुछ भी बोले, अल्लाह तो देख रहा ना बेटा, तुम इतना हिम्मत से काम करने वाले, तुम इतनी ये कचरा लोगों के रोड पे गू पहने में रंगने वाले कीड़े हैं ये। अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह तुमको सेहत दे, अल्लाह तुमको सलामत रखे, कितने माओं की, कितने बेटियों की, कितने लोगों की तुम्हारी को दुआएं हैं नाहिदा। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे तुमको कुछ हो परवरदिगार या रब्बिल आलमीन, अल्लाह तुम, क्योंकि हर किसी को खैर खैरात करने वाले इंसानों को अल्लाह इंशाल्लाह खुश नहीं होगा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह।
बेटा अगर आप सुने तो अम्मी की कैफियत मेरे को दियो बेटा प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं बोरा बंडे से फातिमा बोल रही हूँ। नहीदा मैडम कैसी है माता बेटा आपकी? अल्लाह आपको अच्छा करे जल्द से जल्द, हमारी दुआ आपको है माँ। हमारी क्या सारी दुनिया की जहाँ की दुआ आपके साथ है। देखो सुनिए, आप परेशान नको, ऐसा नको काम करो माँ, ऐसा कहीं को करे, बच्चे छोटे छोटे हैं आपके। अल्लाह से बस उसका उसका बदला अल्लाह ताला लेता माँ, उसको नहीं लेता बल्कि नहीं। सुनिए, एक बेटी के बराबर को उन्हें ऐसा करा, उन्हें अल्लाह ताला उसका छोड़ता नहीं समझो, अल्लाह ऊपर सुनने वाला है। मगर आप नको करो माँ ऐसा, आप परेशान नको, अच्छे हो जाते, टेंशन मत लो आप। अल्लाह आपकी हर एक की दुआ आपको लग रही, सुनी सब पूरी सारी लौड़ता परेशान है। देखो आपकी आवाज से दुनिया की दुआ दे रहे, मैं तो नमाज पढ़ के, हमारी बहन भी नमाज पढ़ के दुआ दी आपको। सुने, फोन खोलते मैं आपका वीडियो देख रही हूँ, फोन खोलते आपका वीडियो देख रही हूँ मैं, अच्छे हो गए जरा। हाँ सुनो मैसेज मेरा, अल्लाह आपको अच्छा रखो, मैं भी पढ़ते रहती हूँ, पढ़ के दुआ करती हूँ आपके वास्ते, परेशान मत हो। ठीक है, बच्चों का ख्याल करो माँ, घर वालों का ख्याल करो, थोड़ा फालतू आते जाते फालतू क्या ये लोग हैं, कई बातें करते माँ, अपन नहीं लेना दिल पे, ऐसा दिल पे नहीं ले लेना, अपन छोड़ देना ऐसा, ये कान से सुन के कान से छोड़ देना अपन। सुने, अल्लाह उसका बदला लेता, उसका अदर बरोबर लेता आप। सुने, अब सबर करो, बस सबर करो, नमाज पढ़ो, आप भी दुआ करो, उसका अल्लाह ताला बरोबर लेंगे। अल्लाह तू मेरे को सबर दे, तू नको सबर करो बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करो बस। सेहत का ख्याल रखो माँ, बच्चों का ख्याल रखो, घर वालों का ख्याल रखो, ठीक है। मैसेज मेरा सुनो माँ, मैं फातिमा बोल रही हूँ बोरा बंडे से, आप आए थे नहीं घर को, पैसे दिए देखो। आहों की रुदाद सुन रब्बे कौनैन, मेरी भी फरियाद सुन, आज मैं दहर में सबसे मजलूम हूँ, हक पे होते हुए हक से महरूम हूँ, आज मैं दहर में सबसे मजलूम हूँ, हक पे होते हुए हक से महरूम हूँ, शाम खू रंग सुबह मगमूम हूँ, जिस पे चलते हैं खंजर वो हलकूम हूँ, आंसू और आहों की रुदाद सुन रब्बे कौनैन, मेरी भी फरियाद सुन, बह गया बस्ती बस्ती में मेरा लहू, रोज करता हूँ मैं आज जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही तुझसे दुआ।